द कश्मीर फिल्म्स ने देश की राजनीति में घमासान मचा रखा है। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों की पेंशन बंद करना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कश्मीरी पंडित भी देश का हिस्सा है। दीपेंद्र ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि दोबारा से कश्मीरी पंडितों को पेंशन की सुविधा मुहैया कराकर उचित सम्मान दिया जाए। हरियाणा के अंदर भी काफ़ी संख्या में हमारे जो कश्मीरी ब्राह्मण भाई हैं वो हरियाणा में भी बसे हुए हैं, जिसमें बहादुरगढ़ के अंदर पे कश्मीर कॉलोनी भी है। जब हमारी सरकार थी, क्योंकि जहाँ भारत देश की बात आती है उनका एक अपना एक स्टैंड रहता है, तो उस समय उनकी मदद में पेंशन की योजना शुरू की गई थी, जिसमें 1,000 रुपये प्रति माह की शुरुआत करी थी, फिर 2,500 रुपये प्रति माह, और 2014 में चुनाव से पूर्व ये वो नोटिफिकेशन है जिसके माध्यम से 5,000 रुपये प्रति माह जो है पेंशन कर दी गई थी कश्मीरी पंडितों सोशल जस्टिस जो हुड्डा साहब ने, हुड्डा सरकार का फैसला, लेकिन ये सरकार में बंद कर दी गई। बढ़ाने की बात तो बढ़ानी चाहिए थी, जैसे हमारे समय पहले स्टार्ट भी हुड्डा साहब ने करी, और उससे पहले भी भाजपा समर्थित इनेलो सरकार रही हो, भाजपा समर्थित हबीबा सरकार रही हो, ये इस तरह का कोई प्रावधान नहीं आया। लेकिन हुड्डा साहब ने उसकी जो है, जैसे उनकी हमेशा एक स्टैंड रहता है और देश के प्रति भावना रहती है, उन्होंने स्टार्ट किया और पहले 1,000 रुपये, फिर 2,500 और फिर 5,000 रुपये 2014 से पहले का नोटिफिकेशन है, इसी कॉपी ये प्रिंटआउट पूरा खराब है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन पर भी निशाना साधा। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि लूट में छूट की समझौते के तहत हरियाणा में भाजपा और जेजेपी का गठबंधन हुआ है, और उसके बाद प्रदेश में जमकर भ्रष्टाचार व लूट मचाई जा रही है। 40 पे जब सुई अटकी तो ये सरकार, इस सरकार ने जेजेपी पार्टी, जो पार्टी बीजेपी के खिलाफ वोट लेके आई, इसीलिए मैंने कहा कि लोग नहीं चाहते थे इनको वापस हरियाणा की स्थिति बता रहा, मगर लोगों का जो जन भावना थी उसको, उसके साथ विश्वासघात करते हुए सरकार की स्थापना हुई। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ ऑन द रिकॉर्ड, आप इसको नोट करें, दोनों पार्टी में से कोई इसका दे, ये 5,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन के समझौते पे सरकार नहीं बनी, वो तो हमने कहा था कि आप हमारे साथ आओ, 5,000 रुपये 1 नवंबर से करेंगे, मगर अब कितना टाइम हो गया आपको, कहते 3 साल, 5,000 रुपये की क्या स्थिति है, कितनी है बुढ़ापा पेंशन, मेरे को आपको बताने की आवश्यकता नहीं आती। तो 5,000 के जो है समझौते पे सरकार नहीं हुई, ये लूट के छूट के समझौते पे सरकार बनी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के बजट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि साल का बजट भी अजीबोगरीब तरीके से पेश किया गया है, जिसमें आम नागरिकों के लिए कुछ खास नहीं है, पहले के मुकाबले कर्जा बढ़ गया है। झज्जर से प्रवीण धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।